तो एक तरफ जहां I2U2 को लेकर बड़ी खबर का एक एक इनपुट आपके सामने होगा, बता दें आपसे थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल होने वाले हैं। आज I2U2 समिट में भारत की बड़ी भूमिका पर होगी चर्चा, लेकिन बता दें थोड़ी देर बाद ये समिट शुरू होने वाला है। पहला I2U2 समिट है। I2U2 समिट को वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे, जहां इसराइल दौरे पर गए जो बाइडेन भी हिस्सा लेने वाले हैं। इसराइल और UAE भी I2U2 समिट में शामिल होंगे। तो I2U2 समिट के सिग्निफिकेंस और उसमें भारत की बड़ी भूमिका पर हम करेंगे चर्चा। साथ ही नजर है जो बाइडेन के इसराइल दौरे पर भी। इसराइल दौरे पर है जो बाइडेन, जहां वेस्ट बैंक के साथ साथ UAE का भी दौरा करने वाले हैं। और इस बीच I2U2 समिट जो पहली बार हो रहा है, हालांकि समिट को जिस वजह से बनाया गया है उसके तहत आज का मुख्य एजेंडा क्या होने वाला है, क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष जिस तरीके से आज संबोधन देने वाले हैं उस पर नजर रहेगी TV9 भारतवर्ष की, जहां से थोड़ी देर बाद नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली इसे संबोधित करेंगे। तो एक तरफ जहां जो बाइडेन का ये इसराइल दौरा चल रहा है, वहीं देखना यह है कि इसराइल की यात्रा को लेते हुए खाड़ी देशों के साथ इसराइल के संबंधों में UAE के साथ भी जो बाइडेन की चर्चा होने वाली है, और जो बाइडेन के विजिट के दौरान क्या इसराइल और सऊदी के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू करने पर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। हालांकि हमने ये भी जरूर देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप के सरकार के दौरान जिस तरीके से उन्होंने कई प्लेटफॉर्म्स पर दूरी बना ली थी, कई डायलॉग्स में दूरी बना ली थी, वहीं January 2021 में जो बाइडेन के आने के बाद जो बाइडेन लगातार ये पुश दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अलग अलग डायलॉग्स में अमेरिका की बड़ी भूमिका को लेकर चर्चा करते हुए। इसीलिए इस बीच रशिया और यूक्रेन युद्ध के बीच जिस तरीके से पूरी दुनिया में अब तेल की किल्लत बढ़ रही है, वहीं मिडिल ईस्ट का ये दौरा क्या मायने रखता है, और जिस तरीके से I2U2 को लेकर वर्चुअली संबोधन होना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बाइडेन का, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। बिल्कुल सही बात है, और I2U2 समिट के इस बार खास मायने हैं। ये दूसरी मीटिंग होने जा रही है और ऐसे वक्त में हो रही है जब रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है, और लगातार ये बात कही जा रही है कि दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर आने वाले वक्त में बदल सकता है। और जैसा कि हम सब ये जानते हैं कि इंडिया, इसराइल, USA और UAE इसका हिस्सा है, इसलिए इसे I2U2 कहा जाता है। लेकिन अमेरिका इसकी एक और मीनिंग बताता है, वो कहता है इंटरेक्शन इन अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स, ये भी इसके अपने एक मायने हैं।